भारत भाग्य विधाता में आइए अब आपको मिलाते हैं देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री माणिक सरकार से, जिनके बारे में ट्वीट किया है अभी जयदीप पांडे ने। और उनका कहना है कि ये वो मुख्यमंत्री जो अपनी सैलरी पार्टी फंड में दे देता है, कब से कभी कभी रिक्शे पे और कभी कभी पैदल ही अपने दफ्तर पहुंच जाता है। हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने माणिक सरकार से बात की। दिल्ली में बैठे लोग आजकल बहुत चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में चलते हैं, अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल को लाल बत्ती नहीं चाहिए। माणिक सरकार साहब ये सब चीजें पहले से नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि आप तो सैलरी तक नहीं लेते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? सैलरी तो लेता है, लेकिन वो सैलरी तो मैं जमा करता है पार्टी का तहवील में। इसकी वजह क्या है? लेकिन पार्टी इज ऑल्सो गिविंग मी वेजेस दैट आई कैनॉट इग्नोर, अदरवाइज हाउ शैल आई सर्वाइव। तो आप ये मॉडल आपने क्यों अपनाया कि आप, या पार्टी ने कहा कि आप सैलरी हमको दीजिए, या आपने तय किया कि मैं अपनी सैलरी पार्टी को दूंगा और पार्टी मुझे वेजेस देगी? दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर पार्टी। आई मस्ट ग्रेटफुल टू आवर पार्टी। पार्टी एक्चुअली हैज टॉट अस, सो आई एम ग्रेटफुल टू आवर पार्टी। सो दिस इज आवर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, दिस इज आवर मेथड, दिस इज आवर एक्चुअली प्रोसीज्योर ऑफ वर्किंग एंड फंक्शनिंग। कहते हैं कि आप ऑफिस भी जाते हैं तो अपने आप चले जाते हैं, नहीं नहीं आप गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस तरह की इम्प्रेशन यहाँ दिया गया है दिल्ली के लोगों को कि आप एम्बेसडर्स में नहीं चलते हैं, आप पैदल वॉक कर लेते हैं, अपने स्कूटर पे चले जाते हैं। इस दिस क्या ये कहानियां ठीक है? आई हैव नो स्कूटर एट ऑल, आई हैव नो माई पर्सनल कार एट ऑल, सो देयरफॉर देन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड मी वन एम्बेसडर, व्हाई आई शुड अवॉइड इट, आई शैल हैव टू यूज इट ना। बट यहाँ तो कर नहीं रहे, दिल्ली के सीएम तो मना करते हैं कि मैं नहीं लूंगा। मैं ही माइट हैव हिज ओन कार, आई हैव नो कार। ये जो जो आप कहते हैं ना, सरकारी खजाने पे जो बोझा पड़ता है गाड़ियों के इस्तेमाल से, सिक्योरिटी के इस्तेमाल से, क्या इसमें कर्टेलमेंट होना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिक्योरिटी कम की है, अपना केवल केट कम किया है, क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन फॉलोइंग द ऑस्टेरिटी मेजर्स इन अवर स्टेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो दैट इज नॉट न्यू थिंग टू अस, इट माइट बी न्यू टू दिल्ली पीपल, but to the people of Tripura it is not at all new. They are not surprised by seeing all these things. They have been rather saying, oh, all these things are being followed by our ministers here in Tripura right from the beginning, by the left front ministers of course. Sir, aapke bare mein kaha jata hai ki aap Hindustan ke sabse honest, humble, personal integrity ke mamle mein sabse avval mukhyamantri hain, sunke aapko kaisa lagta hai? Bura lagega to koi prashn aayega nahi, theek hai? इस इमेज को बनाने के लिए आपको कितनी कोशिश करनी पड़ती है कि ये परसेप्शन माणिक सरकार के बारे में बने? यू सी, जस्ट टू क्रिएट एन इमेज वी आर नॉट फॉलोइंग दिस स्टाइल ऑफ, माने व्हाट शुड आई से, स्टाइल ऑफ लाइफ लीडिंग, दैट इज एक्चुअली वी हैव बीन फॉलोइंग बिकॉज ऑफ आवर पार्टी। पार्टी हैज टॉट अस टू lead a very simple life, Spartan life. What is you need minimum most, that should be you use, otherwise unnecessarily you should not spend money, you should not be extravagant. So this is what actually we have learned from the party. I have already mentioned that I am grateful for all these things to my party. आपके इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक आपके पास सेविंग्स भी बहुत ना के बराबर है। जो भी सेविंग्स है वो आपकी वाइफ के नाम पर है, आपकी फैमिली में। पोस्ट पॉलिटिकल रिटायरमेंट क्या करेंगे आप? सेविंग्स नहीं है आपके पास, क्या प्लान है आपका? टिकलीस क्वेश्चन, बट यू सी पीपल आर देयर ना, पीपल आर देयर, सो यस we'll be able to maintain ourselves, there will be no problem. आपका मन नहीं करता है कि आप त्रिपुरा से निकलकर अब सेंट्रल की पॉलिटिक्स में आए, अपनी पार्टी में इस आपके लिए एक रोल ऐसा डिफाइंड हो कि आप बड़ा रोल कर सके नेशनल पॉलिटिक्स में? आई एम ऑल्सो शेयरिंग सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई सेंट्रल फंक्शनिंग एज ए पॉलिट ब्यूरो मेंबर, टाइम्स आई एम ऑल्सो गोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, सो
to discharge this responsibility, one shall not be necessarily come to Delhi. So if necessary, if party takes this decision and asks me to come, I have no other option but to come. Party has decided that you should work there in Tripura, and whenever it is necessary, you will be called and you should accordingly respond to it. And I have been responding to. मानिक सरकार से बात कर रहे थे सुमित अवस्थी। भारत की एक बड़ी आबादी आम लोगों की है, जिसका रहन सहन साधारण है, जो चमक दमक से दूर रहता है, सुविधाओं के लिए रोज संघर्ष करता है। इसके उलट भारत के नेताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जनता के जरिए चुना जाता है, लेकिन जनता से दूर रहते हुए आलीशान जिंदगी जीता है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सादगी के साथ जीते हैं, जनता के बीच रहते हैं, कोई दिखावा नहीं करते। सबसे खास बात यह, ऐसे नेता अरसे से अपना काम चुपचाप किए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि भारत का भाग्य बदलने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो सादगी से जिए, सादगी का ढोल न बजाए। नमस्कार।